हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मज़े में होंगे। आज हम लोग जो है एक बहुत ही बेहतरीन ठीक है फतायर बनाने वाले हैं, जिसे फ्लावर फतायर बोलते हैं, जो कि देखने में न कि बहुत खूबसूरत है बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार है। सबसे ज़्यादा तो मुझे देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। चलिए ठीक है, फिर बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें ये है, देखिए मैदा लिया हमने तकरीबन 3 कप। उसके ऊपर में उसमें लिया नीडो मिल्क पाउडर, ओके वो 1 चम्मच, और इसमें डालना है ईस्ट, देखिए ड्राई ईस्ट डालना है तकरीबन 2 टीस्पून, ओके, और थोड़ा सा शुगर 1 चम्मच, और 1 पिंच सॉल्ट भी डालना है। ठीक है, ये लीजिए हमने शुगर डाल दिया, ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्ट भी इसमें डालिएगा, ओके। अब इसमें तकरीबन डालना है 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, बस हो गया। और पानी जो है इसमें पानी डाला हम लोगों ने, ठीक है, पानी अपने हिसाब से इतना ज़रूरी है, जो पिज़्ज़ा का आटा जैसे मिलाते हैं उसके हिसाब से आप आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के उसको मिलाइए दो बनाने के लिए। और ये जब इस तरह मिक्स हो जाए, और फिर इस तरह जो है एक फ्लैट सरफेस में आप अच्छी तरह इसको मालिश कीजिए तकरीबन 6-7 मिनट, एक अच्छा स्मूथ डो बनाने के लिए, ठीक है। ये देखिए अपना डो जो है ये हो गया। अब इसको बोल में डाल के एल्युमिनियम फॉइल से टाइट बंद कर दें। अच्छी तरह बंद करने के बाद में कोई भी एक वार्म जगह पे रख दें तकरीबन 1/2 घंटा के लिए, जब तक आपका जो डो है वो डबल इन साइज ना हो जाए, ठीक है। चलिए फिर ओके, तो जब तक हमारा आटा जो है तैयार होता है, ठीक है, उसको तैयार होने में तकरीबन 1/2 घंटा लगेंगे, तो इस बीच हम का जो स्टफिंग है वो बना देंगे, ठीक है। उसके लिए आप थोड़ा ऑलिव ऑयल डालें, ओके, ऑलिव ऑयल के बाद में जब गर्म हो जाती है थोड़ा गार्लिक गार्लिक पत्ते करें, गार्लिक जैसे ही थोड़ा उसका कलर चेंज हो, ओनियन चॉप जैसे चिकन आपका थोड़ा ऊपर प्याज जब लाल हो जाए उसमें थोड़ा बॉइल चिकन में डालिए, उसमें बॉइल किया हुआ चिकन, ओके, बॉइल चिकन, और उसके बाद में थोड़ा ब्लैक पेपर और पैपरिका रेड चिली पाउडर थोड़ा सा स्वाद अनुसार और नमक डालने की जरूरत नहीं है लास्ट तक, क्योंकि हम लोग चीज डालेंगे और पीने चाहेगा इसमें ऑलरेडी होता है नमक, तो जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप ये पालक को बारीक थोड़ा काट के बोल रहे थे, ओके, डाल दिया था जैसे थोड़ा पालक सूखने लगे, ठीक है, आप जो है देखिए कुकिंग ट्री में कुछ केरी चीज़ के कुछ भी, लेकिन मैंने इसमें की है
अच्छे की विचार है, ये तेरी चीज और ये चेदस्सी सिगरेट करके मैंने डाला, ठीक है मिला दूँगी। ये देखिए ये पूरी तरह सूख के एक स्टिकी कंसिस्टेंसी आ चुका है, ठीक है ये तैयार है, देखेंगे हम सॉल्ट का डबल तैयार है नहीं सॉल्टें चाहिए, क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट रहता है पालक में तो और जरूरत नहीं, और फिर जब मैंने चिकन बॉईल किया था जब भी मैंने सॉल्ट डाला था तो और जरूरत नहीं। ओके फाइन भैया जी तैयार है, अभी हम लोग फटायर बनाने की तैयारी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। चलिए फिर देखते हैं हमारे आटे का क्या कंडीशन है, दो तैयार हुआ कि नहीं। और लुक एट दिस, ये बिल्कुल पूरी तरह देखिए डबल हो चुका है साइज में। ओके तो अब हम बिना देर किए हुए इसका प्रोसेस शुरू करेंगे फ्लावर फटायर के लिए, ठीक है। तुम इधर आओ तो चला चली करोगे ऑपरेशन नहीं करोगे, ऐसा करो ऐसा करो ना, हमको दिखाओ मेरे को निकलने का सेकंड दिखाओ। बढ़िया दो भी चीज़ अच्छा अच्छा हो गया ना टॉप टॉप तो टाइम से की झंझट वाला खाली कहीं ना रहने से नहीं हो सकता, वो भी बाबू निकल गया ना, बाबू रहने से अच्छा होगा, बाबू निकल गया हमारे थोड़ा लाइन से परेशान हो गए ना, उनको क्या सब पूरा हो गया है, काम हो गया मैं उन्हें चीज से चले गया बोली फिर आके पैंट शर्ट पहन के आगे नीचे बोलते मैं जाता हूँ नहीं मैं नहीं बोला मैं तो कैसे तुम क्या बोल दिया बाद में प्रॉब्लम हो गया तो मुश्किल है उनके तो बोल रही हाँ मैं तो बोलने वाला था हाँ फोन पेन से कपड़ा नहीं बोलते मैं जाता अरे बोला नहीं तुझे मेरे को साइकिल दुकान का टैच मार दिया है ना 3 रुपये मिलता था उसका एक टैच का मार रुपये ना जब मैं वो इस्तेमाल हो कि प्याज माने का 5 रुपये रहता है 97 में मैट्रिक का एग्जाम क्या जमाना मैंने ऐसे का कीमत था मज़ा आ रहा था मज़ा आ रहा था यार 10 रुपये जिम में रहते हो आ जाए 10 रुपये ये देखिए ये दो हमने पिज्जा बेस के जैसा बनाया है, ठीक है अब हम इसको फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर के लिए ये जो हमने स्टफिंग बनाया था, ठीक है उसका इस तरह एक बॉल सेंटर में रखेंगे, उसके बाद में जो है इसके सराउंडिंग में इस तरह, ठीक है ये देखिए ये जो स्टफिंग है हमने इसके सराउंडिंग में इस तरह से लगा दिया और सेंटर में एक बॉल बॉल के जैसा रखा। उसके बाद जो है एक ब्रश में पूरा
पार्ट है, ये जो है इस तरह से इसको बैठाइए, ये यहाँ बैठने के बाद में देखिए इसके बीच में आपने कोई भी छोटा सा बोल अपने हिसाब से रखते हैं। फिर उसके बाद में ये जो है इसका साइज वेरियस जो है इसको इस तरह फोर्थ में प्रेशर कर दें, प्रेस कर दें ताकि उसका साइज जो है बाद में साइड में थोड़ा भी एक्स्ट्रा आपको थोड़ा और दिख रहा होगा राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है थोड़ा कटिंग करना चाहिए।